हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी गुड मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, क्योंकि इससे पहले अभी थोड़ी देर तक ना मैं वीडियो को एडिट कर रहा था, यानी जो पिछले सारे वीडियोस थे उन्हें एडिट किया। और सुबह मॉर्निंग में दुकान भी खोलना पड़ता है 8 बजे, तो मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में घुस गया हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पड़ गए हैं, तो इसीलिए लेट वीडियोज़ चल रहा है। बट आता रहेगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो इसी तरह मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा। तो आज की लाइफ स्टाइल में क्या कुछ देखने को मिलता है, अंत तक बने रहिए। तो आप सभी को प्यार भरा दीपावली, हैप्पी दीपावली के साथ चलो। हाँ वो ली मैं बड़ा बड़ा दू वो। सो दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल में मम्मी ने मुझे ना ये फूल लेने के लिए भेजे थे, क्योंकि जो दरवाजे के वहाँ पे है ना एक माला सजाना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। शुभ जिसे बोलते हैं ना, फूल आज शुभ माना जाता है। तो चलो इसे तोड़ के हम ला चुके हैं, तो मम्मी के पास देते हैं, मम्मी क्या करती है इसका वहीं जाके पता चलेगा। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, फ्लावर मैं तोड़ के ला चुका हूँ और ये आज हमारे जो दुकान है ना कुछ इस प्रकार से सजी हुई है दीपावली के पर्पज़ में। यहाँ पे पटाखे पुटुके रखे हैं, मिठाई मुठोई स्वीट्स। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं, रोड यानी रोड एरिया लुवाणी। तो चलो इसे मम्मी के पास देते हैं, तो जो भी होगा आगे का प्रोसेस आप लोग बने रहिए। ले फूल ही देखने और नीचे कॉबलिन लगाओ ने सब। सो दोस्तों, घर में बकवाल की तैयारी हो चुकी है, यानी किचन में खाना खुना बनने को, यानी पकवान बनने को तैयार है। तो अभी तो आलू उलू छीला जा रहा है, अभी पकौड़ी बनेगी, पूरी बनेगी, तो देखते हैं कि हमारे घर में क्या क्या बनता है। तो अभी सबसे पहले मार्केट का व्यू दिखाते हैं। आज मार्केट का व्यू दिखाने लायक होगा, क्योंकि लोगों की दुकानें भी काफ़ी मस्त सजी होगी। तो चलो दिखाते हैं। तो मार्केट एरिया में पहुंच चुका हूं, जुलवाणी का छोटा मोटा मार्केट है। तो ये हमारे आशीष भाई लगे हैं समोसा। आप अगर लुवाणी में आते हो तो आप लोगों को हर चीज़ यहाँ मौजूद मिलेगी, यानी भात भी बनता है चिकन से लेकर, और समोसे, चाउमीन, अंडे बॉयल, सब चीज़ यहाँ उपलब्ध है। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं। ये विकास जी, इनकी भी शॉप है। आज क्या क्या रखा पटाखे पुटोखे क्या है? जो हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आ गया छोटा दीपावली, यानी बड़ा कल था और आज छोटा दीपावली, यानी ज़्यादातर दीपावली सेलिब्रेट यानी बकवाल जो आज दिन होता है, आज के दिन मनाया जाता है। तो अभी पहले गायों की पूजा होती है, तो फिर गाय को भरपेट खाना खिलाया जाता है, और आज हमारे भैया जी खिला रहे हैं यहाँ पर। अभी कल के दिन इसका विपरीत हुआ था, पहले हमने खाना खाया था तब गाय को खिलाया था, और आज पहले उनको खिलाया जा रहा है, देन हम खाएंगे। तो दोस्तों, हमारा भाई ना बकवाल बना रहा है अपने घर। अभी मैं बिट्टू के घर आया हूँ और ये पूरी बना रहा है। इसको कब से हम बोल रहे कि शादी कर ले, ये कर ही नहीं रहा है, शादी नहीं कर रहा, तो पूरी बना। तो फ्रेंड्स, अभी ना तुम्हारा भाई थोड़ा ये गोले बना रहा है अपने घर में, तो अपने लिए भी अंदर किचन में पकवान बन रहे हैं, तो हमने सोचा गाय के लिए भी ये आप देख सकते हैं पूरा गोला ढिन्ना। सो दोस्तों, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, यानी ये पहले आटा ही रहता है, आपको पता होगा ये, तो इस तरीके से थोड़ा गूंथा जाता है इसे आटा की तरह, फिर इस टाइप से जैसे लड्डू बनाते हैं ना लोग, उसी टाइप से इसे बनाया जाएगा। फिर इसके ऊपर से फूल लगाया जाएगा, जो सुबह फूल मैं तोड़ के लाया। सो दोस्तों, ये बन चुका है एक गोला। तो इसे यहाँ पे मम्मी ने टोकरी रखी हुई है, तो इसमें इस प्रकार से, तो इसके ऊपर से अभी फूल लगाऊंगा मैं, वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। सो दोस्तों, पिन्ना के ढिन्ना कम्प्लीटली बन चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हैं पिन्ना के ढिन्ना। हम गढ़वाली में पिन बोलते हैं जो गायों को खिलाया जाता है। तो इसमें आप फूल लगाते हैं, तो ये फूल और कुंजी हैं, तो इसे लगा देते हैं, इसमें एक साथ लगाना पड़ता है शायद दुबोड़। तो ये लगा दिया दुबोड़, और ये लगाते हैं फूल। फूल से ना काफ़ी चमक आ जाते हैं गोलों में। अरे गोला टूट तो नहीं जा रहा, ये क्रॉस क्रॉस में है ना कोई फूल। तो आज ना गाय फूल को भी खा देते हैं, इतनी मतलब इतनी खुशी के साथ वो ना भरपेट खाना खाते हैं। तो
अरे यार ये कैसे फूल हैं, टूट रहे। सो दोस्तों कम्प्लीट ये रेडी हो चुका, तो चलो आप चलते हैं थोड़ी देर में पूजा पूजा करने के बाद गाय को खिलाने के लिए। ये भी पूजा कौन है? सो फाइनली दोस्तों भगवान को पूज दिया गया है और अब कल्लू खाएंगे। अच्छे तो जो होगे बोल दुनिया में। दोस्तों गांव से पहले जमाने से चलती आ रही है कल्चर कि जिस दिन बग्वाल होता है उस दिन ढोल दमू बजता है, तो भैया से पूछते हैं कि क्यों बजाया जाता है आज। भैया जी क्यों बजाया जाता है? कि त्योहार के शुद्धिकरण से, त्योहार शुद्धिकरण से। ये जो है इधर मैं बोलता हूँ, ये जो है जिस दिन पांडव नागलोक में गए थे तो पांडवों ने जो है गायों का जो था गाय पांडव, उस जमाने की बात ही हमारे परंपरा की संस्कृति है। और हम जो हैं इस ढोल ये तामा बीजे सार जो है इसीलिए जो है आज उत्सव का दिन है। और रामचंद्र जी ने जिस दिन जो है अयोध्या रावण का दहन किया था, रावण का दहन करके आज खुशी का मौका है और खुशी का दिन के लिए जो है ये सभी लोग हम पहाड़ के जितने भी हैं और खुशी मनाते हैं और बाजा गाजू के साथ और ढोल दमाऊं और अच्छा उसमें बजा जाता है। धन्यवाद भाई साहब, थोड़ा बता दो। अभी तक आपको बाजा गाजा दिखाया, यानी अभी भी हमारे गांव और हमारे पहाड़ों में ना ओल्ड कल्चर जिंदा है, इसी का एक रूपरेखा। और ये गांव में भीड़ देख सकते हैं, अभी लोग दीपावली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, पूरा एरिया देख सकते हैं, इधर भी है और आगे भी है। तो धूप भी छिपने वाली है, सनसेट का टाइम हो चुका है, नज़ारा ना अब बहुत ही खास बन जाता है। सो दोस्तों रात का समय हो चुका है, यानी अब खुशियों की दीपावली शुरू हो चुकी है, तो चलो हम भी अपने घर को थोड़ा चमकाते हैं लड़ी लुड़ी से और अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी होता है हर चीज़ से। और रोड में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं तो थोड़ा हम भी फोड़ लेते हैं और थोड़ा आपको लोगों के बीच भी ले जाते हैं। तो चलो बने रहिए और इन्जॉय लेते रहिए। आप सबका आई होप उम्मीद करता है कि अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट। सो दोस्तों ये रहा मेरे घर का फ्रंट व्यू, यानी ज़्यादा लड़ियाँ तो नहीं लगाई इस बार, उतना तैयारियां नहीं हुई क्योंकि दुकान पे ही बिजी थे, एक ऊपर लगाया एक नीचे दो ही लड़ी से। तो फ्रंट साइड का भी व्यू दिखाते हैं रोड के साइड का कि कैसा हमारे घर दिख रहा है आज। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारे गांव का नाइट व्यू, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं धप 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 विभिन्न प्रकार के जो लाइट्स हैं ना वो चमक रहे हमारे गाँव में। यानी तो आज हम दिवाली के मजे ले रहे हैं। कितने रुपए खर्च किया अभी तक? तो 1000 हो गए हैं, 2000 तक तो कर दिए। तो दोस्तों थोड़ा हम भी इंजॉय कर लेते हैं पटाखे पटोखे से। तो कौन सा बम 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 फूट गया, फूट गया, लग गया लग गया। सो फाइनली दोस्तों अभी का टाइम आई थिंक 9:30 बज चुका है और तुम्हारे भाई ने ना दुकान बढ़ा दिया है, तो आज दीपावली की काफ़ी मस्त धूम रही, काफ़ी अच्छा रहा। मैंने ज़्यादा नहीं एक आध पटाखे ही फोड़े क्योंकि ना अब बड़े हो चुके हैं तो उतना मन नहीं करता, और बच्चों को ही देख के इंजॉय कर लिया। तो खाना भी मैं खा चुका हूँ, मतलब फटक से दुकान बढ़ा के मैं खाना खाने गया, फिर ब्लॉग गया एंडिंग करने के लिए, ऊपर आ गया दुकान पर। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग और कैसा लगा लाइफ स्टाइल? आई होप अच्छा ही लगा होगा, कमेंट कर दीजिए, राय दे दीजिए। तो चलो गुड नाइट के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।